वाइटिंग एंटरटेनमेंट की आज की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं तरक्की पसंद तहरीक और इंकलाबी शायर मजाज लखनवी के बारे में। जुनूने शौक अभी कम नहीं है मगर वो आज भी बरहम नहीं है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। बहुत कुछ और भी है इस जहां में, ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। मजाज एक वादा कश तो है यकीनन, जो हम सुनते थे वो आलम नहीं है। मजाज लखनवी का जन्म 19 अक्टूबर सन 1911 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। उनका नाम असरारुल हक था। उनके वालिद चौधरी सिराजुल हक चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने। इस हसरत से उन्होंने 1929 में अपने बेटे असरार का दाखिला आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में इंटर साइंस में करा दिया। आगरा में उन्हें फानी बदायूनी, मुइन हसन जज्बी, मयकश अकबर आबादी जैसे मकबूल शायरों की सोहबत मिली। इस सोहबत का असर ये हुआ कि उनका रुझान बजाय इंजीनियर बनने के शायरी की तरफ हो गया। असरार नाम के साथ शहीद तखल्लुस भी जुड़ गया। हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था, तेरे जलवों में घिर गया आखिर जर्रे को आफताब होना था, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। उन्होंने गजलगोई की बारीकियां और अरूज यानी व्याकरण को सीखा। इस दौरान उनमें दार्शनिकता का पुट भी आया। बाद में मजाज लगातार निखरते चले गए। आगरा के बाद वे 1931 में बीए करने अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ का ये दौर उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस शहर में उनका राब्ता सादत हसन मंटो, इस्मत चोगताई, अली सरदार जाफरी, सिप्ते हसन, जानिसार अख्तर जैसे नामचीन शहरों से हुआ। इनकी सोहबत ने मजाज के कलम को और भी कशिश और बुसत बख्शी। यहाँ उन्होंने अपना तखल्लुस मजाज अपनाया। इसके बाद मजाज गजल की दुनिया में बड़ा सितारा बनकर उभरे और उर्दू अदब के फलक पर छा गए। सीने में उनके जलवे छिपाए हुए तो हैं, हम अपने दिल को दूर बनाए हुए तो हैं, तासीरे जज्ब शौक दिखाए हुए तो हैं, हम तेरा हर हिजाब उठाए हुए तो हैं, ये तुझको इख्तियार है तासीर दे न दे, दस्ते दुआ हम आज उठाए हुए तो हैं, मिटते हुओं को देख के क्यों रो न दे मजाज, आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। अपने स्कूली जीवन में ही मजाज अपनी शायरी और व्यक्तित्व को लेकर इतने मकबूल हो गए थे कि हॉस्टल की लड़कियां मजाज के गीत गाया करती थीं और उनके साथ अपने सपने बुना करती थीं। कमाले इश्क है दीवाना हो गया हूँ मैं, ये किसके हाथ से दामन छोड़ा रहा हूँ मैं, तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूँ मैं, बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, हजार बार जहाँ से गुजर चुका हूँ मैं, मुझे सुने न कोई मस्त बादाए इशरत, मजाज टूटे हुए दिल की सदा हूँ मैं। मजाज की शायरी के दो रंग हैं। पहले रंग में वे इश्किया गजलकार नजर आते हैं, वहीं दूसरा रंग उनके इंकलाबी शायर होने का मुजाहरा करता है। सारा आलम गोश भर आवाज है, आज किन हाथों में दिल का साज है, छुप गए वो साज हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। वे प्रगतिशील लेखक समुदाय से जुड़ गए, मजदूरों का गीत हो या इंकलाब जिंदाबाद। मजाज ने अपनी बात बहुत प्रभावशाली तरीके से कही, आओ मिलकर इंकलाबे ताजा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। वो कहते हैं, रहे शौक से अब हटा चाहता हूँ, कोशिश हुस्न की देखना चाहता हूँ, कोई दिल सा दर्द आशना चाहता हूँ, रहे इश्क में रहनुमा चाहता हूँ, तुझी से तुझे छीनना चाहता हूँ, ये क्या चाहता हूँ, ये क्या चाहता हूँ, तुझे ढूंढता हूँ तेरी जुस्तजू है, मजा है खुद गुम हुआ चाहता हूँ। 1930-40 का अंतराल देश दुनिया में बड़ी तब्दीलियों का दौर था। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रगतिशीलता का मोड़ आ चुका था। साहित्यकार इंकलाब के गीत गा रहे थे। इसका असर मजाज और उनकी शायरी पर भी पड़ा। वो भी तरक्की पसंद और इंकलाबी शायरों की सोहबत में शामिल हो गए। ऐसे माहौल में मजाज ने इंकलाब जैसी नज्म बुनी। इसके बाद उन्होंने रात और रेल, नजर, अलीगढ़, नजर खालिदा, अंधेरी रात का मुसाफिर, सरमायादारी जैसी रचनाएं उर्दू अदबी दुनिया को दी।
रूमानियत के साथ साथ इंकलाबी शायरी का फलसफा मजाज की गजलों में बखूबी नुमाया होता है। खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, हाँ लुत्फ जब है पाके भी ढूंढा करे कोई। तुमने तो हुक्म तर के तमन्ना सुना दिया, किस दिल से आह तर के तमन्ना करे कोई। मुझको ये आरजू वो उठाए नकाब खुद, उनको ये इंतजार तकाजा करे कोई। या तो किसी को जरूरत दीदार ही ना हो, या फिर मेरी निगाह से देखा करे कोई। मजाज 1935 में ऑल इंडिया रेडियो की पत्रिका आवाज के सहायक संपादक होकर दिल्ली आ गए। ये पत्रिका बमुश्किल एक साल ही चली, इसलिए वो वापस लखनऊ चले गए। दिल्ली से विदा होते वक्त उन्होंने कहा, रुखसते दिल्ली तेरी महफिल से अब जाता हूँ मैं, नौहागर जाता हूँ मैं, नाला बलब जाता हूँ मैं। स्त्री मुक्ति और नारीवाद के बारे में भी मजाज ने अपनी नज्मों में कहा। उनकी शायरी रूमानी होते हुए भी औरत को किसी दूसरी जहां की शय नहीं मानती। वो कहते हैं, हिजाब फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरी नीची नजर खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तू इस नश्तर की तेजी आजमा लेती तो अच्छा था। ये तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत, तू अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। 1939 में नया अदब का संपादन किया, जो आर्थिक कठिनाइयों की वजह से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। असरारुल हक उर्फ मजाज उर्दू के उन शायरों में शुमार हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ढेर सारी शोहरत हासिल की। मजाज की इंकलाबियत आम इंकलाबी शायरों से अलग है। आम इंकलाबी शायर इंकलाब को लेकर गरजते हैं, लेकिन उसके हुस्न को नहीं पहचान पाते। मजाज की शायरी इन सब से अलग है। जो अल्फाज की कारीगरी से नहीं बनती, वहाँ भाव की सहज आमद है। इसीलिए रूमानी शायरी हो या तरक की पसंद, मजाज जरा भी बनावटी नहीं लगते। अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूँ मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूँ मैं, दफन कर सकता हूँ सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ मैं, सर पे रख सकता हूँ ताजे किश्वरे नूरानिया, महफिल खुर्शीद को नीचा दिखा सकता हूँ मैं बहुत सरकश हूँ लेकिन एक तुम्हारे वास्ते, दिल बिछा सकता हूँ मैं, आंखें बिछा सकता हूँ मैं, तुम अगर रूठो तो एक तुमको मनाने के लिए गीत गा सकता हूँ मैं, आंसू बहा सकता हूँ मैं, जज्ब है दिल में मेरे दोनों जहां का सोज साज, बरबते फितरत का हर नगमा सुना सकता हूँ मैं, तुम समझती हो कि हैं पर्दे बहुत से दरमियां, मैं ये कहता हूँ कि हर पर्दा उठा सकता हूँ मैं, तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूँ मैं। मजाज ने उर्दू शायरी में जो मकाम हासिल किया वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। मजाज की मकबूलियत का आलम यह था कि उनकी उर्दू शायरी दूसरी भाषाओं में भी खूब सराही गई। 5 दिसंबर 1955 को लखनऊ में मजाज ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। इज़्ने खिराम लेते हुए आसमां से हम हटकर चले हैं, रह गुजरे कारवां से हम, क्यों कर हुआ है फाश जमाने पे क्या कहें, वो राज दिल जो कह न सके राजदां से हम, क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में न पूछिए, उलझे कभी जमीन से कभी आसमां से हम, ठुकरा दिए हैं अक्लो खिरात के सनम कदे, घबरा चुके हैं कश्म कशे इंतहा से हम। लखनऊ में मजाज की कब्र पर एक शेर लिखा है, अब इसके बाद सुबह है और सुबह नौ मजाज, हम पर है खत्म शामे गरीबाने लखनऊ। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए, और यदि आपने YouTube चैनल वाइट इंक एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट।